गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का लेक्चर होने वाला है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे। तो अभी तक 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने फाइन स्ट्रक्चर तक कंप्लीट करा है। अब बात करेंगे अल्काली एटम्स पे कि व्हाट आर अल्काली एटम्स और उनके एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि अल्काली एटम्स क्या होते हैं, किन किस स्पेक्ट्रा को हमें देखना है। ठीक है, तो अल्काली एटम्स आर दोस विच हैव वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। देखो, मैंने दो चीजें बताई थी, एक आपके पास होते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक मैं एटम बनाता हूँ, दिस इज न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, यहाँ दो, यहाँ मेरे पास आठ होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नेक्स्ट में मैं देता हूं सिर्फ दो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, दो, फिर आठ, और उसके बाद दो। ठीक है, एक बनाते हैं, एक। ठीक है, तो अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी हुई, आउटर मोस्ट शेल हुई बाहर वाली सबसे, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल में है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये टू जो पहले शेल में है और फिर एट जो दूसरे शेल में है, ये दोनों मिलके बनाएंगे एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके क्या बनाएंगे, एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, एटम्स विच हैव वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसा आपको एटम लेना है जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ये मैंने एटम बनाया, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा एटम हो गया, अल्काली एटम। क्या कौन सा एटम है ये, 2, 8, 10 और 11, यानी कि सोडियम की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है सोडियम की। तो सोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्काली एटम। वैसे ही अगर मैं लिथियम की बात करूं, 3, ये पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम भी कैसा हुआ, अल्काली एटम, सोडियम कैसा हुआ, अल्काली एटम। यानी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन दिख जाए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्काली एटम्स। इनका स्पेक्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सोडियम से स्टार्ट करता हूँ, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1s2। इसके बाद ये जो सेकंड शेल है, n=2, उसके लिए एल की दो वैल्यूज होती है, एल की दो वैल्यूज होती है, एल की वैल्यू जाती है 0 से लेके n-1 तक। कहां तक जाती है, 0 से लेके n-1, तो 0 से लेके n-1, यानी कि 2-1 1, यानी कि एल की वैल्यू दो हो सकती है, 0 और 1। 0 होती है एस के लिए, 1 होती है पी के लिए। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s2, और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p6। ये मैंने लिख दिए एक्सरे इलेक्ट्रॉन सारे। अब रह गया बाहर वाला, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि थर्ड शेल, 3s1। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिख दी। अगर आपको ये नहीं पता कि 1s2, 2s2, 2p6 किसके बाद कौन सा आता है, तो इसके लिए आप ऑफकोर्स रूल एक बार याद करवा देता हूँ तुम्हें, केमिस्ट्री वाले बच्चों ने तो पढ़ रखा होगा ऑफ बफ रूल। ये रूल क्या बोलता है, n+l, n आपका n=1, n=2, n=3, और l होता है ये 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो n+l रूल क्या कहता है, ये 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, यहाँ तक लिख लेते हैं, उसके बाद ये चलता चला जाएगा। ठीक है, 7s, और ये चलता चला जाएगा। E कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, और ये चलता चला जाएगा। D स्टार्ट होता है 3 से, यानी कि यहाँ आएगा 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, और चलता चला जाएगा। F स्टार्ट होता है 4 से, 4f, 5f, 6f, 7f, और ये चलते चले जाएंगे।
तो ये रूल क्या कहता है, एन प्लस एन, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग ये सिस्टम चल रहा है, एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे शेल्स की फिलिंग होती है, किसके अकॉर्डिंग, बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी होगी, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और एन कितना है, वन, तो वन प्लस जीरो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो वन है। टू एस, एन का वैल्यू टू, एस का वैल्यू, एल का वैल्यू जीरो, दैट मीन्स टू, इसका वैल्यू है थ्री एस, थ्री, एन का वैल्यू, एल का वैल्यू जीरो यानी कि थ्री, पी एस है फोर फाइव सिक्स इनके लिए। अब टू पी की बात करता हूँ, टू एन की वैल्यू पी, तो एल की वैल्यू वन हो गई, टू प्लस वन थ्री यानी कि इसकी एनर्जी कितनी है, थ्री, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लेवल भरा जाएगा, वन, जिसकी एनर्जी क्या होगी, वन, वन एस, उसके बाद कौन सा भरा जाएगा, टू, जिसकी एनर्जी क्या है, टू, तो टू के लिए मेरे पास एक ही है, टू एस, ठीक है। ये एरो के साइंस आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको 1s लेवल बनना है, फिर 2s बनना है, ठीक है। अब देखो इसकी भी एनर्जी 3, इसकी भी एनर्जी 3, 2p भी 3 का है और 3s भी 3 का है, तो कौन सा भरे, वो भरेंगे जिसका n छोटा है, जिसका n छोटा है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, ये मतलब 2s के बाद कौन सा भरा जाएगा, 2p, 2p के बाद कौन सा भरा जाएगा, 3s, तो देखो मैंने यही किया, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 1। अब देखो 3p, 3p is l का वैल्यू 1, यानी कि ये 4 है, 3d, 3d मतलब l के लिए वैल्यू 2, तो ये 5 एनर्जी है इसकी, ये है 4p, ये आपका 4p मतलब l का वैल्यू 1 यानी कि ये भी 5, तो देखो 4 वाले मेरे पास कितने हुए, 3p 4s, तो मेरे पास ये एरो आएगा, पहले भरा जाएगा 3p फिर भरा जाएगा 4s, क्योंकि यहां पे आपका n का वैल्यू छोटा है, यहां n का वैल्यू बड़ा है। अब देखो 5 3D में भी है, 5 4P में भी है, 5 5S में भी है, तो कौन सा भरा जाएगा, जो सबसे छोटा n वैल्यू का होगा, सबसे छोटा n वैल्यू कौन सा है, ये तो 5 है, नहीं ये तो 4 है, नहीं ये 3, ऐसे ये जो एरोज हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2P, 3S, 3P, 4S, फिर 3D, 4P, 5S, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s, जब 3s पूरा भर जाएगा तो उसके बाद 3p भरेगा, जब 3p पूरा भर जाएगा तो 4s भरेगा, 4s पूरा भर जाएगा तो 3d भरेगा। ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, अपने को इतना आगे नहीं जाना है, सिर्फ सोडियम की बात करेंगे, जहां पे मेरा 3s फॉर्म की वैल्यू जा रहा है। तो ग्राउंड स्टेट अगर सिंबल मुझे निकालना हुआ, ग्राउंड स्टेट सिंबल अगर मुझे निकालना हुआ, तो वो क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, मुझे सिर्फ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, मुझे कोई मतलब नहीं है इन वाले इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये कैसे हैं, एक्सरे, कोई मतलब नहीं है मुझे इनसे, मतलब है तो सिर्फ इस 3s1 वाले से। तो ग्राउंड स्टेट सिंबल जो डिटरमाइन होगा किसके लिए, सोडियम के लिए, वो किसकी वजह से होगा, 3s1 के लिए, 3s1 के लिए। तो 3s1 के लिए जे का वैल्यू, एल का वैल्यू, एस का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मींस s का वैल्यू कितना हुआ, हाफ इलेक्ट्रॉन है किसमें, s में, मतलब l का वैल्यू जीरो, l का वैल्यू जीरो है, s का वैल्यू हाफ है, तो j का वैल्यू कितना आएगा, l प्लस s, j का वैल्यू क्या होता है, l प्लस s, तो जीरो प्लस हाफ, हाफ, ठीक है। वैसे चलता तो ऐसे है, l माइनस s से एल प्लस एस का मोड, लेकिन यहाँ पे देखो ये जीरो है, तो कुछ भी कर लो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी, तो जे का वैल्यू आ गया हाफ। तो ग्राउंड स्टेट सिंबल कैसे लिखते हैं, 2s प्लस 1 एल और यहाँ पे जे, ठीक है, 2s प्लस 1 और यहाँ पे जे, तो मेरे पास एस का वैल्यू कितना है, हाफ, तो 2 इंटू हाफ 1, 1 प्लस 1 2, एल का वैल्यू है जीरो, मेन सिंबल है एस, जे का वैल्यू है हाफ, तो इसका ग्राउंड स्टेट सिंबल क्या आ गया, 2s 1/2। तो हमारे सोडियम के लिए जो कि हमारा एल्काली एटम है, जिसके अंदर आखिरी जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 में है, तो उसके लिए मेरे पास ग्राउंड स्टेट सिंबल आ गया 2s1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्पेक्ट्रा देखना है, इसका स्पेक्ट्रा देखना है, मींस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसके लिए मुझे इसकी एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा, एक्साइटेड स्टेट में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा इलेक्ट्रॉन था 3s1 में अपनी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मैंने सिंबल लिया 2s1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एनर्जी दे रहा हूँ, इसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ, तो इसके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, कहाँ कहाँ जा सकता है, 3s से ऊपर 4s में जा सकता है, 5s में जा सकता है, 6s में जा सकता है, 7s में जा सकता है। तो एक्साइटेड स्टेट s के लिए तो कौन कौन से हो गई, 4s, 5s, चलता चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 3s से ये 3p में भी तो जा सकता है, 4p में भी जा सकता है,
फाइव पी में भी जा सकता है। तो पी के लिए मेरे पास क्या टर्म्स हो गई, थ्री पी, फोर पी, फाइव पी और चलता चला जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ये एक्साइट होके थ्री डी में चला जाए, फोर डी में चला जाए। तो डी के लिए टर्म्स मेरे हो गए थ्री डी, फोर डी, चलता चला जाएगा। और एफ के लिए एफ, फोर एफ, फाइव एफ, सिक्स एफ। तो मैंने क्या करना है, इस एटम को एक्साइट करना है, मींस ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में। हायर एक्साइटेड स्टेट मतलब कहां कहां जा सकता है, एस में तो जा सकता है, फोर एस में, फाइव एस में, पी के लिए थ्री पी, फोर पी, फाइव पी, डी के लिए थ्री डी, फोर डी, और एफ के लिए फोर एफ, फाइव एफ, सिक्स एफ, जंप कर सकता है। अब जंप करेगा तो डेफिनेटली वो नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो ये बनता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। जब नीचे आएगा एटम तो कौन सा स्पेक्ट्रा बनता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में पहले मुझे ये लेवल्स एनर्जी के अकॉर्डिंग जजाने पड़ेंगे, एनर्जी के अकॉर्डिंग सेट करने पड़ेंगे। तो मैं इसको बढ़ाते हुए एनर्जी के लेवल में चलता हूँ, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट है मेरी 3s, ठीक है। ग्राउंड स्टेट सिंबल है मेरा, सिंबल 2s साफ है, लेकिन मेरी जो शेल है वो 3s है। तो मेरी ग्राउंड स्टेट ये है 3s, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी है 3s की, 3। इसकी एनर्जी है मेरे पास 3, कोई बात नहीं। 3 के बाद एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो सकती है, s के लिए 4s, 5s, 6s। तो 4s हो सकती है, ठीक है। 4s की एनर्जी कितनी है 4। मैं देख लेता हूँ 3 वाली कोई और है क्या, 3 वाली 2p है, लेकिन 2p तो नीचे वाला लेवल हो गया, नहीं मुझे एक्साइट करना है, ऊपर जाना है। तो 3p में जा सकता हूँ, इसकी एनर्जी कितनी है 4। 4s में जा सकता हूँ, इसकी एनर्जी है 4। लेकिन दोनों में से पहले कौन सा दिखेगा, 3p। पहले कौन सा दिखेगा, 3p, क्योंकि इसका n क्या है, छोटा, ये पहले भरा जाएगा। इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि इस 3s और 4s के बीच में एक लेवल लाई करेगा, वो होगा 3p, वो होगा 3p, और इसकी एनर्जी भी 4 है, ठीक है। मैं एक बार ये लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि मैं लेवल्स कैसे सेट करूंगा। एक बार तुम्हें लेवल सेट करना आ गया तो स्पेक्ट्रा बन जाएगा। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ मैं, 3s के बाद 4s में जा सकता है, 5s में जा सकता है, 6s में जा सकता है, 3p में, 4p में, 5p में, d में, f में, कहीं भी जा सकता है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको सेट करो, 3s एनर्जी 3, उसके बाद एनर्जी क्या आएगी 4। तो 4 के दो लेवल है, 3p और 4s, 3p और 4s। तो पहले कौन सा आएगा, 3p, उसके बाद कौन सा आएगा, 4s, ठीक है। उसके बाद 5 5 5, तीन लेवल है 5 वाले, 3d 4p 5s, कौन सा आएगा 3d, कौन सा आएगा 3d। तो यहाँ s के हैं, यहाँ p के हैं, यहाँ d के होंगे। तो इसकी एनर्जी है 5, इसकी एनर्जी है 4, यानी कि इससे ऊपर बनेगा। तो मैं इससे ऊपर बना देता हूँ उधर की तरफ, ये लेवल कौन सा हो गया मेरा 3d, जिसकी एनर्जी कितनी है 5, ठीक है। तो ये देखो, s के इधर बनाऊंगा सारे, p के इधर बनाऊंगा, d के इधर, और f का इधर, ठीक है। अब 3d के बाद कौन सा आएगा 4p, 3d के बाद कौन सा आएगा 4p, इससे ऊपर और इसके इधर 4p। तो ये 3p, ये 4p, लेकिन इस 3p और 4p के बीच में एक 3d आ रहा है। अब 4p के बाद मुझे कौन सा भरना है 5s, तो 5s का आएगा s के ऊपर, और इसकी एनर्जी 4p से ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी 4p से ज्यादा है, तो ये इससे ऊपर बनेगा। तो 4p से मैंने ऊपर बना दिया इस लेवल को, s के टर्म्स में ये 3s, 4s, ये हो गया 5s, इसकी एनर्जी भी 5 है, इसकी एनर्जी भी 5 है, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी, ये अब ऐसे चलेगा, इसकी एनर्जी 6, इसकी एनर्जी भी 6, इसकी एनर्जी भी 6, तो अब कौन सा आएगा, तीनों की 6 एनर्जीज हैं, तो ये लेवल 6 है, नहीं 5 है, नहीं 4, n इक्वल टू 4, तो ये आएगा 4d, इसके ऊपर, यानी कि इस लेवल के ऊपर जाएगा, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं मैं, ये है 4d, ठीक है। डॉटेड लाइन इसलिए नहीं है ताकि मेरा रेफरेंस लाइन हो जाए, इससे ऊपर एनर्जी है इसकी, ठीक है। तो ये आ गया 3d के बाद 4d, और इस लेवल की एनर्जी है 6, ठीक है, ये लेवल बन गया 4d। 4d के बाद कौन सा लेवल आएगा 5p, जिसकी एनर्जी 6 है, तो इसके ऊपर बनेगा, p के ऊपर, तो d के इधर, d से भी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी, ये है मेरा 5p, इसकी एनर्जी है 6। 5p के बाद कौन सा 6s, इसकी एनर्जी भी 6 है, लेकिन ये ऊपर जाएगा 5p से भी, 5p से भी ऊपर जाएगा, ये है 6s, और ये मेरा बना, इसकी एनर्जी भी है 6, ठीक है। अभी तक मेरा f का कोई लेवल नहीं आया, तो बस अब आ गया, ये आ गया,
इन सब क्या लिख दिए, सात 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 सात, लेकिन सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा, 4f, क्योंकि इसका n क्या है, सबसे छोटा। तो यहाँ d क्या है, अब मैं इस लेवल को हटा देता हूँ, ऑफ बॉब रूल को f के इधर बना देता हूँ, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फोर एफ की जो एनर्जी है वो 7 है, 6 से ऊपर, 6 से ऊपर, मतलब ये मैं टोटल लाइन बना लेता हूं, ठीक है, इससे ऊपर कहीं यहां होगा मेरा 4 है, इसकी एनर्जी है 7, ठीक है। इसके बाद आएगा 5d, इसके बाद कौन सा आएगा, 5d, इसके बाद आएगा 5d, मतलब कहीं यहां 5d, फिर इससे ऊपर आएगा कहीं 6p, ये आ गया 6p, और इससे ऊपर कहीं आएगा 7s, इससे ऊपर आएगा कहीं 7s। ये मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया है, s वाले लेवल्स, p वाले लेवल्स, d वाले लेवल्स, और ये f वाला लेवल, और ये बढ़ते हुए एनर्जी के टर्म्स में मैंने सेट किया है विद द हेल्प ऑफ बोह रूल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एमिशन स्पेक्ट्रा देखना है, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड स्टेट है, ये मेरा क्या है, ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके ये 4s में भी जा सकता है, 5s में भी जा सकता है, 6s में भी जा सकता है, 3p में भी जा सकता है, 4p में भी, 5p में भी, 6p में भी, 3d में, 4d में, क्योंकि सारे ऊपर वाले लेवल्स है। लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है, सिलेक्शन रूल्स, क्या ध्यान में रखना है, सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल क्या बताते हैं, जो हमारा ट्रांजिशन है वो पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, डेल्टा एन कैन बी एनीथिंग, जैसे कि हमने बोहर एटम में पढ़ा था, डेल्टा एन कैन बी एनीथिंग, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कैसे भी जा सकते हैं, तो डेल्टा एन कैन बी एनीथिंग। बट जो डेल्टा एल होगा वो प्लस माइनस 1 ही होगा, जो डेल्टा एल होगा वो सिर्फ प्लस माइनस 1 ही हो सकता है, या तो मतलब प्लस माइनस 1 का क्या मतलब है, ये एस जीरो लेवल है, मतलब एल की वैल्यू क्या है, जीरो। ये P है, मतलब L का वैल्यू कितना है, 1, यहाँ मेरे लिए सबके लिए L का वैल्यू है 0, यहाँ सबके लिए L का वैल्यू है 1, ये D है तो सबके लिए L का वैल्यू है 2, ये F है तो L के लिए सबका वैल्यू है 3, तो ये लिखा है प्लस माइनस 1, यानी कि S वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो P में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि चेंज कितने का आएगा, 1 का, P वाला S में आ सकता है, चेंज कितने का आएगा, 1 का, क्या S वाला D में जा सकता है, नहीं, क्योंकि S के लिए ये 0 है, ये 2 है, तो चेंज कितने का आएगा, प्लस माइनस 2 का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब S से P में तो जा सकता है, बट D में नहीं जा सकता, F में नहीं जा सकता। सिमिलरली P से D में जा सकता है, हाँ जा सकता है, क्योंकि P के लिए L का वैल्यू 1 है, D के लिए L का वैल्यू 2 है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। P से S में आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि इसके लिए L का वैल्यू 1 है, इसके लिए L का वैल्यू 0 है, तो ये तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। D के लिए देखते हैं, D से P में आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, D से F में आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, ठीक है। तो ये रूल्स ये है दोनों, डेल्टा एन कैन बी एनीथिंग, मतलब ये जो 5, 4, 5, 6, 7, 5, 4, इनसे कोई मतलब नहीं है, 3 से 7 में जा सकता है, 3 से 6 में जा सकता है, बट डेल्टा एन क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1, तो 3d से 6p से इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 6p में n तो 6 है, ये 3 है, तो डेल्टा एन तो कितने का चेंज आया, 3 का, पॉसिबल है, बट यहाँ एल का वैल्यू 1, यहाँ एल का वैल्यू 2, तो प्लस माइनस 1 हो गया, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट ये नहीं है 7s से 3d, क्योंकि यहाँ है l का वैल्यू 0, यहाँ l का वैल्यू 2, तो डेल्टा l कैसे चेंज हो गया, प्लस माइनस 2 से, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये सिलेक्शन रूल्स है, इनको ध्यान में रखते हुए मुझे क्या करना है, स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। अब मेरी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो देखो, ये मेरा ग्राउंड स्टेट था, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, जंप करके मान लेते हैं वो पहुंच गया है 3p में, 4p में, 5p में, 6p में, ठीक है। अब सीरीज बनेगी, p सीरीज, शार्प सीरीज आपकी। अब देखो यहां आकर 3p में, 4p में, 5p में, 6p में, किसी में भी जा सकता है, मान लेते हैं जब ये वापस आएगा तो ये यहां भी वापस आ सकता है 3p से ग्राउंड स्टेट में, 4p से भी वापस आ सकता है, 5p से भी वापस आ सकता है, और 6p से भी वापस आ सकता है। तो ये जो सीरीज है जहां पे आपका ट्रांसफर हो रहा है np से 3s में, np से 3s में, जहां n का वैल्यू क्या है,
ग्रेटर देन थ्री, नहीं ग्रेटर देन थ्री नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री मतलब थ्री पी से थ्री एस आ सकता है, ठीक है, फोर पी से थ्री एस आ सकता है, आ सकता है, फाइव पी से थ्री एस आ सकता है, आ सकता है, मतलब किसी भी पी लेवल से कहां आना है थ्री एस में, कहां आना है, आखिरी डेस्टिनेशन क्या है थ्री एस। तो ये जो सीरीज है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सीरीज। कौन सी सीरीज? प्रिंसिपल सीरीज, जहां से स्टार्ट हुआ पी तो वो प्रिंसिपल नाम दे दिया उसका, ठीक है, खत्म का हो रहा है एस पे। ये एक पॉसिबिलिटी है एमिशन की, कि एमिशन हो रहा है आपका थ्री पी से थ्री एस, फोर पी से थ्री एस, फाइव पी से थ्री एस। अब आता है शार्प सीरीज। शार्प सीरीज का मतलब क्या होगा? स्टार्ट होगा एस से, स्टार्ट होगा एस से और आएगा कहां? थ्री पी में, मतलब पी के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सा है? थ्री पी। एस के लिए ग्राउंड स्टेट है थ्री एस, इसके लिए ग्राउंड स्टेट है थ्री पी, इसके लिए ग्राउंड स्टेट है थ्री डी, इसके लिए ग्राउंड स्टेट है फोर एफ। तो अगर मेरा फोर एस से थ्री पी में आता है, फाइव एस से थ्री पी में आता है, सिक्स एस से थ्री पी में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी है थ्री डी से थ्री पी में आए, फोर डी से थ्री पी में आए, फाइव डी से थ्री पी में, ठीक है। तो एक सीरीज बनती है शार्प जहां एस से चल के पी में आता है, और एक सीरीज बनती है डिफ्यूज जहां डी से चल के पी में आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है जो कि आपको सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है, जहां पे सिलेक्शन रूल डेल्टा एल कैसे भी चेंज हो सकता है, बट डेल्टा एल शुड बी प्लस माइनस वन, ये ध्यान रखना है। यानी कि एस से पी में जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, एस से पी में आ सकता है, पी से एस में जा सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एस से डी में नहीं जाएगा, डी से एस में नहीं जाएगा, क्योंकि तो वहां टू का चेंज आ जाता है। तो ये बनी मेरी प्रिंसिपल सीरीज, ये बनी मेरी प्रिंसिपल सीरीज। अब बताते हैं शार्प सीरीज। शार्प सीरीज में मैंने आपको क्या बताया, 4s से 3p में आए, 4s से 3p में आए, 5s से 3p में आए, 6s से 3p में आए, यानी कि n का वैल्यू आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। 3 से नहीं जा सकता क्योंकि 3 ग्राउंड स्टेट है, हमने ग्राउंड स्टेट से एटम को एक्साइट कर दिया है, तो अब एटम ऊपर चला गया है, अब ऊपर से जब नीचे आएगा तो 4s से 3p में आ सकता है, ठीक है, 4s से 3s में नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 4s से अगर 3s में आएगा तो l का वैल्यू क्या हो गया, l का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, डेल्टा l क्या हो गया, जीरो, इसके लिए भी l जीरो, इसके लिए भी l जीरो, यानी कि डेल्टा l चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन हमारा डेल्टा l क्या होना चाहिए, क्या तो प्लस वन या माइनस वन, तो पहले s से वो 3p में आएगा, फिर 3p से 3s में आएगा। तो ये वे है आने का, कि अगर 4s से एक एक्साइटेड एटम और इलेक्ट्रॉन आना चाहता है 3s में, तो वो पहले जाएगा 3p में, 3p से जाएगा 3s में, डायरेक्ट 4s से 3s में नहीं आ सकता, बिकॉज दिस सिलेक्शन रूल विल बी अनवैलिड देन, ठीक है। तो 4s से 3p में आ सकता है, 5s से, 6s से, यानी कि ns से, ns से कहां आ रहा है 3p में, जहां पे n का वैल्यू हमारा 4 और 4 से बड़ा है। तो ये सीरीज आपकी शार्प, ये सीरीज आपकी शार्प। शार्प क्यों? क्योंकि s से स्टार्ट हो रहा है, p में खत्म हो रहा है, शार्प। जब P से स्टार्ट हो रहा था, S में खत्म हो रहा था, तो प्रिंसिपल, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बेस पे नाम दिया है। अब आते हैं डिफ्यूज्ड पे, अब आते हैं डिफ्यूज्ड पे। मान लेते हैं मेरा जो ग्राउंड स्टेट था वो 3s था, मान के लेते हैं भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट D में तो नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं P में क्या होगा, फिर P से D में जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब क्या करते हैं, जब ये नीचे आएगा 3D से, ये 3P में आ सकता है, हां जी आ सकता है, क्योंकि डेल्टा L प्लस माइनस 1 है। 4D से 3P में आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, 5D से 3P में आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। ये है डिफ्यूज्ड सीरीज, यानी कि आपका ND से आपका ट्रांजिशन हो रहा है किसमें, 3P में, जहां पे N का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5, N का वैल्यू इक्वल एंड ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, दिस इज योर डिफ्यूज्ड सीरीज, दिस इज योर डिफ्यूज्ड सीरीज, ठीक है। अब एक सीरीज रहेगी फंडामेंटल, कौन सी, फंडामेंटल, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा, एफ से, एफ से स्टार्ट होकर कहां आएगा, डी में, थ्री डी में भी आ सकता है, फोर डी में भी आ सकता है, हाँ बस इसी में आएगा, मेनली थ्री डी में जाएगा, एफ से कहां जाएगा, थ्री डी में, मीन्स फोर एफ से कहां आ रहा है, थ्री डी में, क्योंकि थ्री डी में ट्रांजिशन करेगा ये, एफ है, इनके एल का वैल्यू कितना है, टू, थ्री डी एल का वैल्यू कितना है, अच्छा यहाँ एल का वैल्यू है थ्री, तो
डेल्टा एल कितना हुआ प्लस माइनस वन, ये टू माइनस थ्री यानी कि डेल्टा एल कितना माइनस वन, वैलिड है, वैलिड है, मींस ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। फोर एस शीट 3D में क्यों नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि डी के लिए ग्राउंड स्टेट यही है, डी के लिए ग्राउंड स्टेट यही है, तो मैं मान लेता हूँ फोर एस से ये 3D में आ रहा है, और फोर एस से ऊपर क्या होगा 5F, 5F से कहाँ आ रहा है 3D में, यानी कि एन एफ से 3D में आए, और n का वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 या 4 से बड़ा, तो ये मेरी बनती है फंडामेंटल सीरीज। तो मेरी जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उसमें मुझे चार सीरीज देखने को मिल रही है। पहली सीरीज का नाम प्रिंसिपल, जहां पे 3p 4p 5p से कोई इलेक्ट्रॉन 3s में अगर जाता है तो वो बनाता है मेरा प्रिंसिपल सीरीज। फिर कोई एक्साइटेड अगर इलेक्ट्रॉन 7s 6s 5s या 4s से चलकर 3p में आता है तो ये मेरी बनाती है शार्प सीरीज। सिमिलरली अगर कोई मेरा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो कि ऊपर वाले लेवल्स में है, जो कि नीचे आना चाहेगा, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा दिखाएगा, तो 3d 4d 5d से अगर 3p में आता है तो मेरी बनती है डिफ्यूज सीरीज, और अगर 4f 5f 6f से वो आता है 3D में तो वो मेरी बनती है फंडामेंटल सीरीज। तो आपके एमिशन स्पेक्ट्रा में आपको चार सीरीज देखने को मिली है, एमिशन स्पेक्ट्रा में आपको चार सीरीज देखने को मिली है, वन इज प्रिंसिपल सीरीज, अनदर इज शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज एंड फंडामेंटल सीरीज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जो मैंने आपको नोट्स शेयर कर रखे हैं उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसका। तो ये तो एमिशन स्पेक्ट्रा हुआ है अभी तक, आगे देखते हैं क्या है। इसमें आपको दो लो दिए हुए हैं, रिडबर्ग सिस्टर्स लो, एक लो है आपका रिडबर्ग सिस्टर्स लो, क्योंकि मुझे ये डायग्राम चाहिए, ये डायग्राम होगा तभी मैं आपको अगला टॉपिक समझा पाऊंगा। तो यहां लिख देता हूं रिडबर्ग सिस्टर्स लो। ये क्या बोलता है, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा आइटम है वो हटा देते हैं, सिलेक्शन रूल्स हटा देते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है सीरीज लिमिट किसकी, शार्प की और डिफ्यूज सीरीज की बराबर है। किसकी बात कर रहा है, शार्प सीरीज की और डिफ्यूज सीरीज की। जो सीरीज लिमिट है, सीरीज लिमिट यानी कि इसकी लिमिट कहां है, इंफिनिटी, इंफिनिटी एस से 3p, कहां आना है मुझे इन्फिनिटी एस से 3p, कहां आना है मुझे इन्फिनिटी एस से 3p, ये होती है सीरीज लिमिट, कि मेरी लिमिट कहां तक है सीरीज की मैक्सिमम, तो वो है इन्फिनिटी। 4s से आ सकता है, 5s से आ सकता है, 6s से आ सकता है, या फिर इन्फिनिटी से आ सकता है, तो इन्फिनिटी एस से 3p, ये सीरीज लिमिट हो गई शार्प के लिए। सिमिलरली सीरीज लिमिट डिफ्यूज के लिए, यानी कि इन्फिनिटी डी से आ रहा है, कहां से आ रहा है इन्फिनिटी डी से आ रहा है, कहां आ रहा है 3p पे, कहां आ रहा है 3p पे। तो ये मेरी सीरीज लिमिट हो गई शार्प के लिए क्योंकि ये s से चल रहा है, ये हो गई मेरी डिफ्यूज के लिए क्योंकि ये d से चल रहा है, और इनकी डेस्टिनेशन क्या है 3p। ये है शार्प सीरीज, ये है डिफ्यूज सीरीज, इन दोनों की सीरीज लिमिट देखो सेम है, इन दोनों की सीरीज लिमिट क्या है सेम, सीरीज लिमिट ऑफ शार्प एंड डिफ्यूज्ड इज सेम। क्या मतलब हुआ इसका, सीरीज लिमिट सेम है मतलब एनर्जी का गैप, किसकी बात की जा रही है एनर्जी के गैप की। देखो इंफिनिटी एस हो या इंफिनिटी पी हो या इंफिनिटी डी हो, वो है इंफिनिटी पे, यानी कि एक लेवल है इंफिनिटी का, ठीक है। अब इस इंफिनिटी एस से, इस इंफिनिटी एस लेवल से कहां आ रहा है 3p में, सिमिलरली इस इंफिनिटी एस लेवल से डी लेवल से कहां आ रहा है 3p में, यानी कि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों के एनर्जी लेवल्स सेम है, एक है इंफिनिटी एस इंफिनिटी डी, दोनों बराबर, यहां से स्टार्ट होके
आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, 3p में। तो ये एनर्जी लेवल सेम, यानी कि ये जो एनर्जी का गैप है दोनों के लिए सेम है। अगर एनर्जी का गैप सेम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, वेवलेंथ सेम आएगी। तो यही बोल रहा है कि सीरीज लिमिट ऑफ शार्प एंड डिफ्यूज सीरीज इज सेम, सीरीज लिमिट ऑफ शार्प एंड डिफ्यूज सीरीज इज सेम, यानी कि जो एनर्जी का गैप है वो सेम है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, एनर्जी गैप इज सेम, एनर्जी गैप इज सेम। ठीक है, ये रुडबर्ग सुस्टर्स लॉ का पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, तो अगर ये स्टेटमेंट समझ आ गया तो मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरा स्टेटमेंट लिखना होगा। दूसरे स्टेटमेंट के लिए मेरे पास इतना ही स्पेस है, क्योंकि ये डायग्राम मुझे चाहिए समझाने के लिए। सेकंड सेकंड जो स्टेटमेंट है इसकी, वो स्टेप बाय स्टेप देखो। सीरीज लिमिट शार्प डिफ्यूज्ड, ये क्या बोल रहा है, सीरीज लिमिट शार्प की, सीरीज लिमिट शार्प की, यानी कि इंफिनिटी एस से 3p में आना है, इंफिनिटी एस से 3p में आना है, ये पहली बात। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज क्या है, प्रिंसिपल सीरीज की आपकी सीरीज लिमिट देखनी है, यानी कि इंफिनिटी पी से कहां आ रहा है, 3s में, इंफिनिटी पी से कहां आ रहा है, 3s। ठीक है, मतलब पहली सीरीज शार्प इंफिनिटी एस से चल के कहां रहे, 3p में, और प्रिंसिपल में क्या हो रहा है, इंफिनिटी पी से जाना है मुझे 3s में। प्रिंसिपल की क्या है, np से 3s, सीरीज लिमिट मींस n को इंफिनिटी कर दो, इंफिनिटी पी से 3s। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि अगर मैं इसकी एनर्जी को e1 बोलता हूं, इसकी एनर्जी को e2 बोलता हूं, तो e2 माइनस e1 क्या हो जाता है, e2 माइनस e1 क्या हो जाता है, 3p से 3s की एनर्जी, 3p से 3s की एनर्जी। तो अब ये डायग्राम से समझो, इसीलिए ये लोग थोड़े कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये डायग्राम से ही समझ आते हैं, तो इसलिए मैंने डायग्राम रन नहीं किया। अब समझो कैसे, इंफिनिटी एस से 3p, इंफिनिटी एस से कहां आना है, 3p। आगे ये मान लो एनर्जी का गैप है, इंफिनिटी एस से 3p, जितना ये मैंने बोर्ड पे लेंथ बनाया। अब जाना है इंफिनिटी पी से 3s, एक ये लेवल मार्क कर दिया मैंने, ये मैं मार्क कर लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया, ये मेरा है एक लेवल इंफिनिटी एस से 3p, जिसको मैंने e1 बोला, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। e2 इंफिनिटी पी से 3s, अभी मैंने क्या बताया, सारे इंफिनिटी बराबर है, सारे इंफिनिटी बराबर है, चाहे वो s का हो, p का हो, d का हो, f का हो, तो यही है मेरी इंफिनिटी। इंफिनिटी पी से मुझे कहां आना है, 3s, इंफिनिटी मुझे पी से कहां आना है, 3s, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, ये है मेरा e2, ये था मेरा e1, ये था मेरा e2। तो अब ये है e1, ये है e2, ऊपर से लेके नीचे ये e2, तो ये दोनों का डिफरेंस e2 माइनस e1, यानी कि 3p माइनस 3s, 3p से 3s का जो ट्रांजिशन है, 3p से 3s का जो ट्रांजिशन है, वो इसका आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन दिस शार्प सीरीज लिमिट एंड प्रिंसिपल सीरीज लिमिट इज इक्वल टू This transition between 3p to 3s, तो ये यही बोलना चाह रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो ये मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, क्या बोल रहा है ये, डिफरेंस बिटवीन सीरीज लिमिट का मतलब यही होता है, आपको कहां तक जाना है, इनफिनिटी तक। डिफरेंस बिटवीन सीरीज लिमिट ऑफ शार्प एंड डिफ्यूज, इसका मतलब e1 और e2 के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो e1 माइनस e2 के बीच का जो डिफरेंस है, वो किसका ट्रांजिशन है, 3p से 3s के बीच में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, 3p से 3s, 3p से 3s, 3p से 3s, 3p से 3s, तो ये क्या है आपकी फर्स्ट लिमिट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज की पहली लाइन 3p से शुरू हुए 3s पे खत्म हुए, दूसरी लाइन 4p से शुरू हुए 3s पे खत्म हुए, थर्ड लाइन 5p से शुरू हुए 3s में खत्म हुए। तो मेरा e2 माइनस e1 किसको कोरिस्पोंड कर रहा है, 3p से 3s, दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ
प्रिंसिपल सीरीज, ये हो गए मेरे रुडबर्ग सिस्टर्स लॉ। एक पहला लॉ था जो कि सीरीज लिमिट बराबर थी, अब इसमें आपका डिफरेंस बिटवीन शार्प एंड डिफ्यूज इज फर्स्ट लाइन ऑफ पी सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पी सीरीज, ये है आपके रुडबर्ग सिस्टर्स लॉ। एक और लॉ है जिसको हम बोलते हैं रूम्स लॉ, दूसरा लॉ है रूम्स लॉ। ये किसके बीच में है? ये है आपके डिफ्यूज और फंडामेंटल के बीच में, ये था शार्प और डिफ्यूज के बीच में, अब बात हो रही है डिफ्यूज और फंडामेंटल के बीच में, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल के बीच में। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, फंडामेंटल लिखता हूँ और देखता हूँ क्या है फंडामेंटल एंड डिफ्यूज। तो सीरीज लिमिट किसकी? फंडामेंटल की। फंडामेंटल मतलब इधर जाना है, इंफिनिटी एफ से कहां आ रहे हैं 3D, तो इस बार इंफिनिटी एफ से कहां आ रहे हैं 3D, इसको मान लेते हैं इवन, ठीक है। फिर डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब ये रहा, इंफिनिटी डी से कहां जाना है 3P, इंफिनिटी डी से कहां जाना है 3P, इसको बोल देते हैं E2। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्या वो 3P और 3D के बीच का डिफरेंस है? क्या वो 3P और 3D के बीच का डिफरेंस है? दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफ्यूज सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफ्यूज सीरीज। तो ये हमारा रुंजेस लॉ है जो ये बोलता है कि सीरीज लिमिट का डिफरेंस फंडामेंटल के बीच में और डिफ्यूज के बीच में 3D और 3P के बीच का डिफरेंस है, और 3D और 3P के बीच का डिफरेंस मींस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफ्यूज सीरीज। ये है मेरा रुंजेस लॉ, ये है मेरा रुंजेस। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा का डायग्राम, उससे रिलेटेड दो लॉ, एक रुडबर्ग सिस्टर्स लॉ, दूसरा रुंजेस लॉ। तो ये मेरा टॉपिक यहाँ खत्म होता है जो कि आपका है एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे, तो ये मैं हटा देता हूँ, हटाना नहीं है, डायग्राम मेरे काम आएगा। अब मुझे करना है एब्जॉर्प्शन, मैं थोड़ा इसी में ही मॉडिफिकेशन करता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया डायग्राम लेकिन ठीक है। ये है मेरा 3S, ये है मेरा 3P, ये है मेरा 4P, यहाँ मेरा 3D, ये मेरा 3D, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे, इस पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे। तो 3S के बाद यहां था 4S, यहां था 5S, यहां था 6S, यहां था 7S। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा तो हो गया, जो पहले किया था वो था एमिशन, मींस पहले मेरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, मैंने उसे एनर्जी दी, तो वो किसी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया। अब एक्साइटेड स्टेट में गया तो नीचे तो आएगा, नीचे आने के उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे एमिशन स्पेक्ट्रा में चार सीरीज मिली। क्या होता है, जब आपका एटम इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, उसमें चार सीरीज आई, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज, फंडामेंटल। अब बात करें एब्जॉर्प्शन की, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो ऊपर जाएगा, मींस आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, तो माय एटम इज इन ग्राउंड स्टेट, यानी कि किसमें है, 3S1 में, किसमें है, 3S1 में। अब इसको कहां जाना है, एनर्जी लेके ऊपर जाना है, अब ऊपर जाएगा तो ट्रांजिशन होगा, इस ट्रांजिशन के रूल्स क्या होंगे, वही डेल्टा एन कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेल्टा एल क्या होगा प्लस माइनस वन। तो अब मेरे को बताओ ये 3S से कहां जा सकता है, वही मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन जाएगा, इन सिलेक्शन रूल्स को ध्यान में रखना। अब 3S में अगर है तो क्या 4S में जा सकता है? नहीं, क्यों नहीं जा सकता,
क्योंकि डेल्टा एल चेंज ही नहीं होगा, इसके लिए भी एल जीरो, इसके लिए भी एल जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, तो डेल्टा एल जीरो हो ही नहीं सकता। क्या होना चाहिए? प्लस माइनस हो, तो पॉसिबल नहीं है। क्या 5s में जा सकता है? नहीं। 6s में जा सकता है? नहीं। तो ये s वाली सीरीज कैंसिल हो गई, ठीक है। अब 3s से 3d में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ एल जीरो है, यहाँ एल टू है, चेंज कितना आया, टू माइनस जीरो टू, तो डेल्टा एल का टू हो ही नहीं सकता, तो यहाँ भी नहीं जा सकता। f में जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए एल जीरो, इसके लिए एल थ्री, चेंज कितने का आया, फाइनल माइनस इनिशियल, थ्री माइनस जीरो, डेल्टा एल हुआ थ्री, ये तो प्लस माइनस वन नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा p, तो क्या 3s से 3p में जा सकता है? देखते हैं। इसके लिए एल जीरो है, इसके लिए एल वन है, डेल्टा एल कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज वन, इनिशियल इज जीरो, डेल्टा एल आ गया वन, पॉसिबल है। अच्छा, क्या एस से 4p में जा सकता है? हाँ जी जा सकता है, डेल्टा एल फिर से वन है, और डेल्टा एन तो आपको मैंने बता ही दिया, कुछ भी हो सकता है, थ्री से थ्री भी हो सकता है, थ्री से फोर भी हो सकता है, थ्री से फाइव, थ्री से सिक्स, ये भी पॉसिबल है। क्या 3s से 5p में जा सकता है? हाँ जी जा सकता है। 3s से 6p में जा सकता है? हाँ जी जा सकता है। इसका मतलब आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बना है उसमें सिर्फ एक ही सीरीज मिली है जिसको हमने बोला है प्रिंसिपल सीरीज, जिसको हमने बोला है प्रिंसिपल सीरीज। क्या बोला है? प्रिंसिपल सीरीज, जो कि कहां से चल रही है, 3s से चल रही है, कहां से चल रही है, 3s से, क्योंकि जो मेरा एटम है वो किस में है, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में मींस मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, 3s में, तो 3s से कहां जा सकता है, 3p 4p 5p 6p दैट इज np, जहां पे n का वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ये मेरी प्रिंसिपल सीरीज है, ठीक है। और कोई सीरीज इसमें मिली? नहीं मिली। तो ये है मेरा प्रिंसिपल सीरीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, और कोई सीरीज इसमें नहीं मिलती है। तो ये मेरे एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एल्काली एटम के लिए खत्म होते हैं। अगला टॉपिक है डबलेट स्प्लिटिंग, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, इंटेंसिटी रूल्स, तो ये सब नेक्स्ट लेक्चर में होगा, उसके बाद जीमान इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एल्काली एटम्स क्या होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मैंने कैसा बनाया है, इसका एक बार खुद से ड्रॉ करके देखना, प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ से तो समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच।